हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद। आप लोगों को थोड़ा फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताना था। मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। कुछ सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की थोड़ी सी एक रियलिटी को समझ सकें। वैसे तो पीछे मैंने आपके सामने एक वीडियो रखी थी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की सारी रियलिटी और सच्चाई आपको बताई थी, लेकिन अभी रिसेंटली, अभी जो है कुछ दिन पहले, शायद 2 हफ्ता हो गया होगा इस बात को, इंडिया के अंदर एक न्यूज़ आई थी, उसी से रिलेटेड आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या और ये किस तरह से जो है अपने ही करने वालों को किस तरह से नुकसान में डाल सकती है। तो अभी कुछ दिन पहले इंडिया के अंदर जो न्यूज़ आई है, सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, आपको कुछ अंदाज़ा लग सके। तो मालूम है कि आप सभी लोग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जो कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग है, उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। आप लोग चाहते हो कि वहाँ पर काम किया जाए क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा लगा करके बहुत सारा और बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलता है, ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी क्या है आइए आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया जो है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हब है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे बड़े लेवल पर ट्रेड किया जाता है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आकर के वहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन आता किसी को नहीं है। बहुत सारे लोग जो आम लोग हैं हमारी तरह, आपकी तरह, उन लोगों को आता नहीं है। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के अगर आप किसी चीज़ में जाओगे और आपको आता नहीं है, सिखाने वाले लोग भी फिर बहुत सारे आ जाएंगे। अब जब सिखाने वाले लोग आएंगे और आपको पता नहीं है तो वो कुछ भी सिखा करके आपको चले जाएँ, कुछ भी बता करके आपको चले जाएँ, आप यकीन कर लेते हो, ठीक है। तो यही हो रहा है इस टाइम पर इंडिया के अंदर, जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पर बहुत कुछ वहाँ पर किया जा रहा है जो कि ज़्यादातर फेक है, नकली है, और न जाने कितने सारे फ्रॉड फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पर किए जा रहे हैं। लोग बार बार उसके ट्रैप में फंस रहे हैं और अपना फंड, अपने पैसों को वहाँ पर नुकसान में डाल रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, एक बंदा है जिसका नाम है, यूट्यूबर है, जिसका नाम है मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी। इसका यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है बाप ऑफ चार्ट नाम से, जिसके अंदर 4.5 लाख या शायद उससे उसके आसपास जो है सब्सक्राइबर हैं। इसका मतलब है कि ये बड़ा यूट्यूबर है, बड़े लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, एक ज़्यादा तादाद है इसको फॉलो करने वाली, इसके बात को सुनने वाली। तो यूट्यूब के ऊपर ये फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग की टिप्स और बहुत सारी जानकारियाँ, मार्केट कल क्या करेगी, परसों क्या करेगी, इस तरह की जो है बातें वहाँ पर बताया करता था, ठीक है। अब इसका सिर्फ यूट्यूब के ऊपर चैनल नहीं था बल्कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन अपने कोर्स को भी बेचा करता था। कोर्स में जो ये बताते थे, मतलब कोर्स में ये सिखाया करता था कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपर्ट कैसे बनना है, उसको कैसे सीखना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें ये अपने यूट्यूब चैनल पर डालता था और साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन भी ये लोगों को सिखाता था। और जो इसका कोर्स था सिखाने का, उसकी एक ये बड़ी फीस चार्ज करता था। इसका जो चार्ज था बहुत बड़ा था, 50,000, 20,000, 30,000, इस तरह से इसके अलग अलग कोर्स हैं जिनका ये प्राइस है इंडियन रुपीस, जो कि बड़ा अमाउंट होता है एक आम इंसान के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे पर लोग यकीन भी कर रहे हैं, इसकी बातों को सुन भी रहे हैं, इतनी बड़ी पब्लिक तादाद इसके पास आ भी जाती है। सिर्फ फ्री में ही नहीं बल्कि इसको पैसे दे दे करके, फंड दे दे करके, अपनी फीस दे करके भी लोग सीख रहे थे, सिर्फ फ्री में ही नहीं, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि बहुत बड़ा अमाउंट दे देकर के लोग इसे सीख रहे थे। अब इसकी कंडीशन क्या है, देखिए, ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं था, और जो भी कुछ आप लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को, एक बड़ी फीस चार्ज कर रहे हैं, तो ज़रूरी होता है कि आप सेबी रजिस्टर होने चाहिए। तो सेबी ये अपने इंडिया का एक, ये समझ लीजिए, वो डिपार्टमेंट है जो स्टॉक मार्केट की देख रेख करता है, ठीक है। सेबी ने इस बंदे के ऊपर छापा मारा, ठीक है, इसके ऊपर रेड मारी, इसकी सारी जानकारी निकाली कि कितने कितने का इसने कोर्स बेचा है, अभी तक ये कितने कमा चुका है कोर्स बेच बेच करके, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी सारी वीडियो देखी और एक PDF फाइल की शक्ल में जो है ऑनलाइन इसको इशू कर दिया, शेयर कर दिया सबको, हर कोई उस PDF फाइल को देख सकता है। जिस PDF फाइल के अंदर सारी जानकारी इसकी छोटी से लेकर बड़ी तक दी गई कि इसने किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन दी है, और न जाने कितनी जगह पर ये फेल हुआ है कि इसने अब तक 17 करोड़ रुपये कमा चुका है। ये बंदा किस चीज़ से कमाए होंगे, स्टॉक मार्केट से? बिल्कुल नहीं, इसने कमाए हैं लोगों को अपना कोर्स बेच बेच करके, ठीक
ठीक है, 17 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये 17 करोड़ इंडियन रुपीस कमा चुका है सिर्फ कोर्स बेच करके। और बड़ी जानकारी आपको बताऊं, मैं बड़ी जानकारी सेबी ने ये दी है कि इस बंदे का जब डीमैट अकाउंट खोलकर देखा, जहां पर ये फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग किया करता था, अकाउंट इसके खोल के देखे गए, आपको क्या लगता है उसमें कितना प्रॉफिट होगा इसका? इस बंदे का खुद का 2.5 करोड़ का नुकसान हो रखा है। अब जो इंसान खुद सिखा रहा है, बता रहा है, उसका खुद का नुकसान हुआ है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब देखिए, इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, सिखाने वाले वो होने चाहिए ना जिसको कुछ आता हो। अगर वो आपको कोई ऐसी चीज सिखा रहा है जिससे आपको फायदा मिल सकता हो, तो जरूरी है कि उसको भी फायदा उठाना आता हो। ऐसा नहीं कि मैं खुद नुकसान में हूँ लेकिन लोगों को सिखा रहा हूँ। अब देखिए, मैं भी एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट की जानकारी देता हूँ, भले से बेसिक दे रहा हूँ, तो जरूरी है कि मुझको भी उसका फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरा भी उसमें फायदा होना चाहिए, मैं खुद उससे फायदा उठा रहा हूँ, तभी लोगों को सिखाना मेरे लिए ठीक रहेगा। ये नेचुरल बात है कि इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है तो 10 में से 4 स्टॉक उसके नुकसान में जा सकते हैं, मेरे भी जाते हैं, बहुत हर इन्वेस्टर के जाते हैं, कोई भी 100% सही नहीं होता। तो ऐसा होता है कि अगर हमने 10 स्टॉक खरीदे तो 10 स्टॉक में 2 या 3 4 स्टॉक नुकसान में जाते हैं, उसको हम छोटा सा स्टॉक लॉस लगा करके, छोटा सा नुकसान लेकर के बाहर निकल जाते हैं। और जिस स्टॉक के अंदर हमारा फायदा हो रहा है, उसी फंड को हम दोबारा से अपने फायदे वाले स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। बस ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ स्टॉक पड़े हुए हैं, तो 4 5 6 स्टॉक के अंदर अगर नुकसान दिखाई दे रहा है तो ये नेचुरल है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमारा जितना भी फंड लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में, सबको मिला करके फ़ायदा हमको दिखना चाहिए। ठीक है, सबको दिखा करके, सबको मिला करके अगर हमारा नुकसान है, तो फिर हम को कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जानना पड़ेगा अच्छे से। लेकिन अगर हमारा फायदा दिखा रहा है तो ठीक है, 1 2 स्टॉक 5 स्टॉक में नुकसान है तो ये तो नेचुरल है, हर किसी के साथ में ऐसा होता है। अब मैं बात कर रहा था इस इन्फ्लुएंसर की, तो ये इन्फ्लुएंसर जो है ये है डेरिवेटिव वाला, यानी कि लोगों को सिखा रहा है क्या, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, सब कुछ सिखा रहा है। और इस बंदे के पास इतने सारे मौके हैं कमाने के कि मार्केट ऊपर जाए तब भी कमा सकता है, मार्केट नीचे आए तब भी कमा सकता है, मार्केट साइडवे रहे एक जगह पर रुक जाए तब भी कमा सकता है, तो हर तरह से ये कमा सकता है। ठीक है, हम जो हैं जो इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास सिर्फ एक मौका होता है, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हमारा ठीक है, और अगर नीचे गिर रहा है तो हम या तो नुकसान में हैं या फिर हम वेट करेंगे। लेकिन इनके पास इतने सारे मौके होने के बावजूद, लोगों को इतना ज़्यादा सिखाने के बावजूद, इतने सारे लोग इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, इसको बहुत कुछ आता है, इसके बावजूद ये नुकसान में है 2.5 करोड़ के। अब ये मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ कि देखो, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी डेंजर है कि अपने बड़े इन्फ्लुएंसर को ही नहीं छोड़ रही, जिसको सब कुछ पता है उसी को नहीं छोड़ रही, उसको नुकसान में रखे हुए है। तो आप जैसे छोटे से और नए जो अभी अभी बच्चे हैं मार्केट के अंदर, उनका क्या हाल होगा? और नुकसान हो डेरिवेटिव में ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी चीज़ ये है कि कहीं आपको अगर लत लग गई इस चीज़ की ना, तो बहुत बड़ा नुकसान आपका इसमें हो सकता है। बहरहाल, आपके साथ में ये शेयर करना था। और जो सेबी है, जिसने इसके ऊपर छापा मारा है, जो 17 करोड़ इसने अब तक कोर्स बेच बेच कर कमाए हैं, वो इससे वापस मांगे हैं फाइन के तौर पर कि 17 करोड़ हमको वापस दो। जिन जिन लोगों को आपने कोर्स बेचा है, हम उनको ये रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे। तो देखा जाए तो सेबी भी अपनी एक जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से निभा रही है और अपना काम कर रही है, वरना किसी को क्या मतलब है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर इस तरह से अगर काम करते रहे सेबी वाले, तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि स्टार्टिंग है अगर आपकी, तो स्टार्टिंग में ही डायरेक्टली फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर तो बिल्कुल नहीं जाना है आपको। आपको बता देता हूँ कि जो लोग कमाते हैं स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाते हैं, वो 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही हैं, और उन लोगों ने भी इक्विटी से ही काम करना सीखा है, डायरेक्टली वो लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आए हैं। ठीक है, से अवेयर रहें, किसी का कोई कोर्स ऐसा फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग का खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहाँ पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।